विशालिनी है। वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग कॉर्नर विशालिनी। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ मीशो से परचेज किए हुए पांच बहुत ही खूबसूरत एंड अंडर 500 रुपीस के स्कर्ट का रिव्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी होने वाले हैं एंड बजट फ्रेंडली भी होने वाले हैं। सो इनकेस अगर आज के रिव्यू में से आपको कोई भी स्कर्ट पसंद आती है, आप उनको परचेज करना चाहते हो, तो उसका कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जाके आपको कोड लेना है, मीशो पे सर्च करना है एंड आप इजीली इन्हें परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रेफरल लिंक, तो अगर आप उसके थ्रू जाके इन्हें परचेज करते हो, मीशो को डाउनलोड करते हो, तो आपको आपके फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर मैक्सिमम 30% या 100 रुपीज का ऑफ भी मिल जाएगा। सो बिना देरी के हम करेंगे आज की अपने स्कर्ट्स का। जो इस हॉल का मैंने फर्स्ट स्कर्ट पिक किया है वो आपको प्रॉपर खादी कॉटन का स्कर्ट मिलने वाला है, बहुत ही खूबसूरत एंड अंडर बजट बहुत ही परफेक्ट वाला ऑप्शन है। सो मैं इसका पूरा रिव्यू आपको शो करती हूँ। फर्स्टली आपको मिल जाएगा इसका कलर जो मैंने पिक किया है वो ब्लू कलर का है। इसके ऊपर आपको बहुत ही प्यारे से प्रिंट मिल जाएंगे, ये एलिफेंट वाले प्रिंट है। एंड इस स्कर्ट की जो खास बात है ना, मैंने इसे दो से तीन बार वॉश किया है, उसके बाद मैं आपको रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो आप प्रिंट देख सकते हो कि बिल्कुल भी नहीं निकला है एंड मोस्टली मैं क्लॉथ्स को मशीन वॉश ही करती हूँ, तो उसके बाद भी अगर नहीं निकला है तो आप समझ लो कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। यहाँ पे आपको मिल जाता है बहुत ही अच्छे से इलास्टिक वाला वेस्ट, फुल आपको फ्रंट टू बैक इलास्टिकेटेड मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत ही अच्छा वाला प्रिंट, फ्लेयर बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है, मैं आपको साइड में पहन के दिखा दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। इसका प्रिंट बहुत ही खूबसूरत सा दिया हुआ है, मतलब इतने कम प्राइस में बिल्कुल पैसा वसूल वाला ये स्कर्ट रिसीव हुआ है। आप इसको घर में डेली वेयर के लिए लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, या फिर इसके ऊपर अगर आप कोई अच्छी सी कुर्ती डालो तो इसका भी लुक बढ़ जाएगा एंड कुर्ती का भी लुक बहुत ही डिफरेंट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। मोस्टली इस तरीके के जो स्कर्ट होते हैं ना, उनका रिव्यू अच्छा नहीं होता है। सो मैंने भी डर के इसे पिक किया था कि आई डोंट नो, पता नहीं किस तरीके का रिसीव होगा, बट ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही ऑसम वाला ये स्कर्ट है। कंफर्ट के हिसाब से तो 10/10 है, बहुत खूबसूरत लगने वाला है एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है। सो दिस इज माई फर्स्ट स्कर्ट, अभी मूव ऑन करेंगे। इस वन का मैंने नेक्स्ट वाला स्कर्ट पिक किया है, वो आपको प्रॉपर ब्लैक कलर में मिल जाएगा। इसके अंदर आपको ढेर सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड साइज ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, 28, 30, 32, इस तरीके के बहुत सारे साइज ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो मेरा 28 था तो मैंने पिक किया है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का मिल जाएगा इलास्टिकेटेड, जितने भी कलर ऑप्शन है सब में ये ब्लैक कलर ही मिलने वाला है। सो यहाँ पे आपको वेस्ट का जो कलर मिल जाएगा ब्लैक, पूरा फुल्ली आपको इलास्टिकेटेड मिल जा रहा है। नीचे के साइड में आपको पूरे स्कर्ट पे ना छोटे छोटे पतले पतले से प्लीट्स बना के दिए हुए हैं। सो मैंने इस वाले स्कर्ट को लिया था कुर्तीज़ के ऊपर, मतलब नीचे डालने के लिए, बिकॉज इस तरीके की स्कर्ट इस टाइम बहुत ट्रेंडी है। आप टॉप के साथ भी पेयर कर सकते हो एंड कुर्तीज़ के साथ भी पेयर करोगे तो बहुत स्टाइलिश सा लुक मिलेगा, मतलब सिंपल भी कुर्ती है तो अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में उसे कैरी करना है तो आप उसके नीचे बॉटम में स्कर्ट लगा के वेयर करो, बहुत डिफरेंट सा एंड सच में बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल भी होता है। समर टाइम के लिए तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है स्कर्ट वियर करना किसी भी कुर्ती या टॉप के नीचे, बिकॉज लेगिंग्स हो पैंट्स हो वो इचिंग क्रिएट करता है मोस्टली लोगों के साथ, तो इस तरीके के स्कर्ट बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं। सो फुल्ली आपको फ्रंट टू बैक इस तरीके का प्लीट्स मिल जाएगा। मटेरियल इसका जो है वो आपको क्रेप मिल जाता है, तो कंफर्टेबल भी है एंड बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक मिलने वाला है एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है हाथ में आ जा रहा है, इतना खूबसूरत सा स्कर्ट है। फ्लेयर के हिसाब से भी बहुत कम माल का है, वो मैं आपको साइड में दिखाऊंगी तो आप क्लियर हो जाओगे। सो दिस इज माई सेकेंड वाला स्कर्ट, अभी मूव ऑन करेंगे हम। जो इस हॉल के लिए मैंने थर्ड स्कर्ट पिक किया है वो मरून कलर में लिया है एंड जितने भी मैं शो कर रही हूँ ना, ये सभी आपको मीशो के ट्रेंडिंग पेज पे ही दिखने वाले हैं। सो मैंने उनमें से सर्च करके अंडर 500 कलेक्ट किया है। सो ये भी आपको प्रॉपर क्रेप मटेरियल का मिल जाएगा। फ्लेयर इसमें बहुत ज़्यादा है, आई थिंक 2 से 2.5 मीटर का आपको फ्लेयर मिल जाता है। ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का स्कर्ट है, टॉप के साथ भी अच्छा लगेगा एंड कुर्तीज़ के साथ भी अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वेस्ट, बहुत ही ब्रॉड सा इन्होंने वेस्ट एरिया बना के दिया हुआ है, फैब्रिक का ही है। यहाँ पे आपको साइड में जिप मिल जाएगा जो कि अच्छी फिटिंग के काम आएगा, जिप की क्वालिटी बहुत अच्छी दी हुई है इन्होंने, आराम से आपको ईजिली मतलब
लॉन्ग टाइम तक चलेगा एंड इसका जो साइजेस अवेलेबल है ना इसमें भी आपको आपके वेस्ट साइज के अकॉर्डिंग चूज करना है 28 से लेके आई थिंक 36 या 40 तक का अवेलेबल है साइज। कलर ऑप्शंस ढेर सारे हैं यहाँ पे। इन्होंने ना वेस्ट पे नॉट बनाने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक बना के दिया है, तो आप फ्रंट में स्टाइल कर सकते हो या बैक में कर सकते हो। इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा है, बहुत कंफर्टेबल वाला है एंड क्वालिटी बहुत अमेजिंग दी हुई है। कलर ऑप्शंस ढेर सारे हैं तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। एंड ये भी बहुत खूबसूरत वाला स्कर्ट है, मतलब आज के हॉल के जितने भी स्कर्ट हैं ना सभी पैसा वसूल वाले स्कर्ट हैं, मतलब इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतने अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। सो दिस इज माई नेक्स्ट एंड अभी मूव ऑन करेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। तो मैंने नेक्स्ट स्कर्ट पिक किया है वो आपको मैंने पिक किया है ब्लैक कलर में, बट मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाकी मैं आपको इसका रिव्यू शेयर कर देती हूँ। ये इस तरीके का मिल जाएगा स्कर्ट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत ही रफली तरीके से इन्होंने वेस्ट बनाया हुआ है, अजीब सा बहुत सारे फैब्रिक इस पे गैदर हो गया है, सो वो अच्छा नहीं लग रहा है। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का डोरी लगा के दिया है, जैसे बिना मन का बनाया है इस तरीके से है इनका। फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सी थ्रू वाला है, आई थिंक आप मेरा फेस देख सकते हो, तो बॉटम वियर के लिए इस तरीके का फैब्रिक बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है। एंड अगर इस तरीके का है तो इसमें आपको थोड़ा बहुत लाइनिंग ज़रूर प्रोवाइड करना था, बट इस तरीके का कुछ नहीं है, बिल्कुल विदाउट लाइनिंग मिलेगा आपको। मटेरियल इसका रेयॉन है, बट थर्ड क्लास वाला रेयॉन इसमें प्रोवाइड किया गया है। बाकी नीचे के साइड में इसका लुक बहुत खूबसूरत सा था ऐप के ऊपर, जो इसका इमेज इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, बट ये उसके से बिल्कुल भी कहीं से दूर दूर तक मैच नहीं करता है। यहाँ आपको प्रिंट मिल जाएगा, प्रिंट मिल रहा था थोड़ा बहुत, बट क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा रफ है इसका। यहाँ पे आपको इस तरीके का प्रिंट मिल जाएगा फुल्ली हैवी सा, एंड नीचे के साइड में आपको यहाँ पे मिल जाएगी पतली सी बॉर्डर, जो कि वो भी बहुत रफ दिख रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू प्राइस अगर कंपेयर करेंगे तो ठीक ठाक है, बट ठीक भी नहीं है, बिकॉज इसके पहले भी जो मैंने स्कर्ट आपको शो किया वो भी अंडर 500 के थे, बट उनकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, बट ये वाला बिल्कुल अच्छा नहीं है। फ्लेयर भी ठीक ठाक है, मतलब काम चलाऊ टाइप का स्कर्ट है ये। सो दिस इज माई नेक्स्ट स्कर्ट एंड अभी मूव ऑन करेंगे हम इस हॉल के लिए। मैंने नेक्स्ट पिक किया है वो एक स्कर्ट नहीं है, वो मैंने एक सरारा पिक किया है, प्रॉपर व्हाइट कलर का लिया है इसे मैंने। इसकी फैब्रिक क्वालिटी अच्छी है, ये आपको रेयॉन में मिल जाता है। नीचे के साइड में आपको यहाँ पे इतना सारा एक पैर में इतना सारा फ्लेयर मिल जाता है। यहाँ पे आपको पूरा गोटिया बट्टी का वर्क मिलेगा विथ थ्रेड के साथ, बहुत ही फिनिशिंग के साथ किया हुआ है। अंडर 500 के लिए ये भी बहुत अच्छा वाला डील मुझे मिल गया था। इसमें भी आपको ढेर सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो फ्रंट में भी आपको इस तरीके का गोटा पट्टी का एंड थ्रेड का काम मिल जाएगा, एंड इसके बैक में भी आपको मिल जाएगा। सो इस तरीके के जो पैंट्स होते हैं ना वो भी बहुत स्टाइलिश लुक देंगे एंड साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेंगे। सो क्वालिटी बहुत अमेजिंग है इस वाले की, आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। बस आज के हॉल का वो जो ब्लैक वाला था जो इससे पहले मैंने शो किया वो मुझे नहीं पसंद आया, उसका क्वालिटी इशू थोड़ा सा डल था। सो आपके ऊपर है, अगर आपको पसंद आता है तो आप डेफिनेटली उसे परचेज कर सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से बहुत बेकार सा था वो। सो दिस इज माय लास्ट पीस एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर कर दिया करिए, ताकि मुझे पता लगे कि मैं जो कर रही हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड अगर पसंद आता है तो आप मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।